Hey, what is up everyone? This is me Shnet and welcome back to my another video. I hope you guys are doing absolutely fine. तो सबसे पहले मैं बता दूँ इस वीडियो में चल क्या रहा है. वैसे टाइटल से तो तुम लोग को पता ही चल गया होगा कि हम लोग एनिमीज़ को कन्वेंस करने वाले हैं, एनिमीज़ के साथ टीम अप करने वाले हैं. उनको हम ऐसा नहीं कि टीम अप करके से मतलब मजाक मस्ती करके छोड़ देना है, पर हम उनसे लड़ाई करेंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ कार-98 के साथ, मतलब स्नाइपर के साथ. कोई भी ऑटो गन या कुछ भी हम लोग यूज़ नहीं करने वाले और सिर्फ कार-98 का यूज़ करेंगे. पहले ऑल्टर से बात करेंगे, उनको समझाएंगे, कन्वेंस करेंगे और देन शुरू हो जाएंगे. और क्या, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. और एक छोटा सा अनाउंसमेंट, मेरा ये स्टूपिड सा फोन फिर से मेरा वॉइस रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैं अपना वाला जो पार्ट है वो मैं थोड़ा बहुत वॉइस ओवर कर दूंगी. मतलब मैं अभी से ही वॉइस ओवर कर दूँगी, तो समझ जाओ. यहाँ पे हम लोग उन लोग को उछल उछल के बुला रहे थे, लाइक भाई सुन ले. उनके भाई ने ही बोला किसी को, समझा रहे थे कि सुन लो हमारी बात, टीम अप करना है. देखो ये दोनों ऑलरेडी जंप करना शुरू हो गए. ये लोग बहुत स्वीट थे, मतलब पहले ही हम लोग को ज्यादा कुछ कोशिश करना नहीं पड़ा, सब आ गए. देख लो उसको भी बोलो चौथे वाले को. As you can see, कि सबने गन अंदर रख लिया, कोई किसी को मार नहीं रहे, शांत हो गए. हमने इनको समझा दिया कि दोनों गन कार-98 रखना है और ये लोग मान भी गए. सब एक एक करके जाने लगे. ये तो कुछ ज्यादा स्वीट, सारे गन यही फेंक दिया. तो ये लोग कार-98 लाने चले गए. हम लोगों ने उनको थोड़ा सा टाइम दिया हुआ था गनमैन चूज करने, तब तक हम लोग इधर उधर भटक रहे थे. सब अपना अपना रिकॉर्डर ऑन कर रहे थे कंटेंट के आशाओं में, जो भी हो. तो इसके साथ हम लोग कोशिश कर रहे थे कि वो लोग आ जाए और हम लोग सबसे पहले उनको मारे. पर उन्होंने हमें सबसे पहले मार दिया. कोई बड़ी बात नहीं है, लोग हमने भी मार लिया, हिसाब बराबर. और इसके साथ हम मर चुके हैं. वाओ, चलो कोई नहीं, अभी अच्छे से खेलना है. सिर्फ और सिर्फ कार-98 मजा आएगा. ए बाबा, तुम तो बाबू हमारे अंदर ही आ गए. मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, जब मैं किसी को शॉट मार रही हूँ वो एक शॉट पे मर नहीं रहा है, पर कोई दूसरा अगर मुझे मार रहा है तो मैं एक शॉट पे ही मर जा रही हूँ. ये कैसे भाई, ये क्या है? पबजी वालों थोड़ा सा इसको ठीक करो. मतलब मरे तो सब मरे ना, देखो फिर से नहीं मरा, पर मुझे कोई मारे एक ही बार में मैं मर जा रही हूँ. इस बार नहीं मरी थी, अलग बात है, पर ऐसा हो रहा है, आपको दिखेगा. नोटिस करना मैं कितने बार, अगर मेरा ढंग से एक वन शॉट किल होता ना, मेरे कितने किल हो जाते पता है. पर एक बार में तो ये लोग मर नहीं रहे हैं, भगवान जाने क्यों. हाँ मुझे ही मार ले, मैं ही तो मिलती हूँ ना, पागल लोग. और मैं बहुत बार मर चुकी हूँ, अब मैं प्रो बन के दिखाऊंगी, एक एक को पकड़ के मारूंगी. लो यस, तो मर गया देखा, और इस ये भी मर गया. यस ये भी मर गया. मतलब ऐसे मुझे पता था हाँ ये लोग मर जाएंगे, मुझे पता है. ऐसे ही तो मारते हैं लोगों को, ऐसे नहीं मारते, मतलब देखा था ना पहले कैसे मारा था. और ये भी मरा. यस बहुत किल चुरा रही है, मतलब मैं किसी किल नहीं चुरा रही हूँ वैसे. और इसी के साथ मैं दूसरे को, मेरे शॉट्स नहीं लग रहे, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं मार लूँगी, अभी मार लूँगी एकदम, अभी एक दूसरा किलर. हाँ तो यहाँ पे सांप बन जा इडियट. वैसे मुझे इनको इडियट नहीं बोलना चाहिए, लोग काफ़ी स्वीट थे, एक बार में मान गए थे. और मैंने मार दिया एक और इंसान, बीच में मार गया. और मैंने मार लिया दूसरे को भी, ये लग तो नहीं रही है, एक शॉट नहीं लग रही है. वाओ, मैंने कहा ना मुझे कोई एक शॉट मारा मैं मर जा रही, पर मैं जब मारू कोई नहीं मरेगा. अब कर क्या सकते हैं, ना इंसाफी हो रही है हमारे साथ, कुछ कर भी नहीं सकते. चल निकल,
यार ये तो हेडशॉट था, ये फिर भी नहीं मरा। ठीक है ये लेग शॉट था, ठीक है इसको हुआ नहीं, कुछ नहीं मरा। ठीक है तू कैसे नहीं मरा वे, तेरे सामने मर, हेडशॉट होते हुए भी नहीं मरता। ये किल चुराया मेरा, क्या हो रहा है यार, लोग किल क्यों चुराते। देखो इस बार भी हेडशॉट था और मरा नहीं वो। क्या मुझे शॉट मिल गई तो मैं मर जाती हूँ, ये लोग क्यों नहीं मरते। फिर से एक शॉट, फिर भी नहीं मरा। भाई तुम कौन हो, कैसे हो, क्यों हो, मुझे और फिर से नहीं मरना, मैं बहुत बार मर चुकी हूँ। इतना कौन मरता है भाई, ये लोग मरते नहीं है, शॉट्स लग रहे फिर भी नहीं मरते। बहुत मुश्किल से मर रहे यार, मेरा जो भी बोलो, मजा बहुत आ रहा था हमें, बहुत ही ज्यादा। मेरे को बस एक ही जन बार बार मारा था, उसको मैंने मार दिया। बात तो सही है, कोई देशकू है जो सबसे ज्यादा मार रहा है, मतलब देशकू या दिशकू जो भी है उसका नाम, पर वो अच्छा खेल रहा है, टू बी ऑनेस्ट अच्छा खेल रहा है। पर हम किसी से कम थोड़ी ना है, हम भी मारेंगे अभी। मैं इनके घर में घुस के सबको मारूंगी और उसके अंदर को पोपट ये फिर। अरे यार ये कहाँ से आके मुझको मार गया पागल, जो भी हो अब देखना, अब देखना मैं मार के दम लूंगी सबको, एक के बाद एक मारूंगी। और ये पता नहीं, ये मैंने देखा, मैंने मार लिया, अच्छे से मार लिया था मैंने। और यहाँ पे मुझे और कोई नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों। पीछे पीछे कहाँ जा रहे, देखे एक भी मरे। देख वाओ, मतलब वाओ की कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे पता है मैं मार सकती हूँ, समझ रहे हो। और गन रिलोड पे तो क्या हुआ, मैं प्रो हूँ, मैं मार ही लूँगी। तुम मरेगा बेटा मेरे हाथ से, तुम मरेगा। मरते तो है, कब मरेगा पता नहीं, पर मरेगा। हाँ मर गया, ओ ये देशपू था, वाओ मैंने अच्छे प्लेयर को मारा है। और लास्ट किल तो मुझे ही लेना है, लास्ट किल मेरा होगा, प्लीज़ मुझे मत मार दे, मुझे मारने दे, मुझे मारने दे, मुझे मारने दे। मैं मेरे इनको क्या हो गया अब तक, ब्लू टीम विक्ट्री, मैं मर गई और हम जीत गए। जो भी हो कोई बड़ी बात नहीं, एमवीपी में यस पता था, आई एम प्रो यो बॉय। इस मैच पे हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि हम लोग इतने इजीली उनको कन्विंस कर लेंगे और साथ में हम लोग जीत भी जाएंगे। वैसे अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन बाय बाय एवरीवन, स्प्रेड लव।